हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट 7 की पोएम द डोंकी के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप पोएम का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग करेंगे। वर्ड मीनिंग में पहला वर्ड है वॉलप। वॉलप का मीनिंग होता है टू हिट समबडी और समथिंग वेरी हार्ड, यानी कि किसी को कस कर पीटना। नेक्स्ट वर्ड है हे। हे का मीनिंग है ग्रास दैट हैज बीन कट एंड ड्राइड फॉर यूज एज एनिमल फूड, यानी कि पशुओं के खाने की सूखी घास। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्न। बच्चों, वैसे तो कॉर्न का मतलब मक्का होता है, यानी कि मेज होता है, लेकिन इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग है द सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज वीट, मेज, ओट्स एंड बार्ले दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्लोर, यानी कि अनाज वाले पौधे जैसे कि गेहूं, जौ, मक्का आदि, और इन पौधों के बीज या दाने, इन्हें बोलते हैं इसमें कॉर्न। नेक्स्ट वर्ड है फोडर। फोडर का मतलब क्या होता है? फूड दैट इज गिवन टू फार्म एनिमल्स, यानी कि जो पशुओं का चारा है दैट इज कॉल्ड फोडर, पशुओं का भोजन या फिर चारा। नेक्स्ट इज फन टाइम। फन टाइम में क्वेश्चन है कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन दीज ड्रॉइंग्स। आपको यहां पर कुछ ड्रॉइंग्स दी गई है और इनमें से इनके फेस मिसिंग है, वो आपको कंप्लीट करने हैं, ड्रॉ करने हैं। उसके बाद में दिया है What work do these men or women do? यानी कि ये लोग क्या कार्य करते हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहला दिया है अ मिल्कमैन। मिल्कमैन क्या करता है? अ मिल्कमैन सेल्स मिल्क और मिल्क्स द काउ, यानी कि मिल्कमैन जो होता है वो दूध बेचता है या गाय का दूध दुहता है या दूध निकालता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है अ ग्रोसर। ग्रोसर क्या करता है? सेल्स वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियां बेचता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है अ पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या करता है? कैचेस द थीव्स, यानी कि चोरों को पकड़ता है। उसके बाद दिया है एन आइसक्रीम मैन। एन आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम, आइसक्रीम बेचता है। अ रेसलर। रेसलर क्या करता है? पहलवान क्या करता है? लिफ्ट्स वेट्स, यानी कि वजन उठाता है। नेक्स्ट दिया है पिक्चर स्टोरी। आपको यहां पर एक पिक्चर दी गई है और साथ ही नीचे कुछ टेक्स्ट भी आपको दिया गया है और क्वेश्चन दिया है मैच पिक्चर्स टू द टेक्स्ट एंड गिव एन एंडिंग टू द स्टोरी बाय ड्राइंग द सिक्स्थ पिक्चर। आपको नीचे दिए हुए टेक्स्ट को पिक्चर से मैच करना है, साथ ही आपको सिक्स्थ पिक्चर बना के इसको एक एंडिंग देनी है। स्टोरी की कोई एंडिंग नहीं दी गई है तो इसको एक एंड देना है और गिव इट अ टाइटल, इसको एक शीर्षक, एक टाइटल भी आपको देना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैच करेंगे। जो डोंकी है वो क्या सोच रहा है जब एक आदमी इसके ऊपर बैठा है फर्स्ट पिक्चर में? ही इज थिंकिंग दैट द डोंकी इज थिंकिंग दैट द मैन इज हैवी या ही इज हैवी। उसके बाद सेकेंड है ही इज यंग। नेक्स्ट देखिए आई एम सैड, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट हो गया है उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम हैप्पी नाउ। उसके बाद नेक्स्ट है दे आर स्ट्रोंग। और लास्ट क्या करेंगे, लास्ट बनाएंगे ऑल आर स्माइलिंग, और पिक्चर आप खुद बनाएंगे इसमें, और टाइटल इसमें हमने दिया है दीपू एंड द डोंकी। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।